एक बात थी जो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। मैं जब वोडाफोन में जॉब करता था, अशोक मार्ग में मेरा हजरतगंज में मेरा ऑफिस था, और मैं जोनल ऑफिस में बैठता था, तो अक्सर ऐसा होता था जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। होता यह था कि सुबह 8:30 बजे मैं पहुँच जाता था अपने ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, और वहाँ पे 8:30 बजे के आसपास एक पंडित जी आते थे। पंडित जी आते थे, वो ऑफिस में, जोनल ऑफिस में पूजा करते थे और हमको आके यहाँ टीका लगाते थे। हम उनसे बड़ी प्रेम से उनसे जो यहाँ पर टीका लगवा लेते थे, वो मुझे वो आशीर्वाद दे के रोज़ चले जाते थे। एक दिन मुझे आने में जो है लेट हो गया, पानी आने भी बरस रहा था, मानसून का सीज़न था और पंडित जी भी लेट आए, तो 9:30 हो चुका था। अब जब 9:30 हो चुका था और भी लोग ऑफिस में आ चुके थे, अपने कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी थे, सभी लोग थे। सेम उसी रूटीन को फॉलो करते हुए पंडित जी ने पूजा की और फिर हमारे पास आए। फिर हमने अब अपना फॉरहेड आगे बढ़ाया, उन्होंने मेरे यहाँ पे जो तिलक लगाया और वो पंडित जी चले गए। कुछ हमारे दो तीन मुस्लिम भाई हमारे आए और मुझसे कहा, आइए ज़रा कैंटीन में चलते हैं तो मुस्तफ़ा भाई। हमने चलिए कैंटीन में, बिल्कुल वाई नॉट। ये वाक़या 4 से 5 साल पुराना है, और भी इससे ज़्यादा 6-7 साल हो गया होगा। तो वो कहने, बताइए ये तो शिर्क है, आपने आपने जो यहाँ टीका लगा दिया शिर्क है। हमने कहा सुनिए एक बात, हमने कहा इस्लाम धर्म में किसी को हल्ट नहीं कर सकते, दिली आज़ादी जिसको कहते हैं, हल्ट नहीं कर सकते। इस्लाम इस्लाम आपको इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। अगर पंडित जी मेरे यहाँ पे आए या कोई भी आदमी है, अगर पंडित जी ने यहाँ मेरा के टीका लगाया, अगर मैं हट जाता तो हमारे पंडित जी को हल्ट होता, दिल में ये होता कि देखो टीका नहीं लगवाया। लेकिन जब मैंने एक मुसलमान होकर मैंने आगे बढ़ा, उन्होंने मेरा अक्सर रोज़ टीका लगाते थे, और जब यहाँ लगाया तो उनको खुशी हुई। उन्होंने देखिए, मैं अल्लाह बहुत माफ़ करे, मैं इसलिए वीडियो हरगिज़ नहीं बना रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, मैं बहुत बड़ा उल्लम, लेकिन जो हकीकत है इस एटमॉस्फेयर को देखते हुए, तो जो चीज़ जेन्युइन है, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात में, जो ये जो वाक़या हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आज तक कभी नहीं बना, लेकिन मैं आज मैं शेयर कर रहा हूँ। उनकी वर्डिंग थी कि मुस्तफ़ा भाई लिफ्ट के अंदर, जब वो नीचे उतर रहे थे तो लिफ्ट के अंदर उन्होंने मुझसे कहा, वहाँ पर और भी लोग थे, अगर आप जैसे मुसलमान भाइयों की सोच हो जाए, और अक्सर लोगों की सोच होती मुसलमान भाइयों की, सभी सोच, लेकिन कुछ ऐसे हैं मुस्लिम भाई जो इसको मानते हैं कि नहीं ऐसा न लगाना वो मना, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप इसको टीका मतलब जो यहाँ टीका लगाएंगे, अगर कोई अगर आपको यहाँ लगा देता है तो आपने अगर लगा लिया तो उसको खुशी मिल गई। और इस्लाम धर्म में, हमारे कुरान किताब में, कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, हमारी इतना है कि किसी को हर्ट नहीं कर सकते इंसान को। आप इससे कैंटीन में बैठ करके जब मैंने उन भाइयों से ऐसा कहा, उसका असर ये हुआ, लिटरली गवाह है अल्लाह, उसका असर ये हुआ कि वो तीनों भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी फेसबुक पे हो, आप भी देख रहे हो, आप लोग भी जो तीन दोस्त हैं हमारे, वो भी जा करके पंडित जी से जो टीका लगवाया था कि नहीं लगवाया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावाना चाहिए, हम सब एक हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम रहीम को भी मानते हैं, हमारे लिए राम भी अहमियत रखते हैं और रहीम भी अहमियत रखते हैं। और इन दोनों, और देखिए भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ, ये समझ लीजिए कि ये इंसानियत, जिसके अंदर इंसानियत होगी उसको बहुत ज़्यादा ही लाइक करेंगे, जो क्रूर होगा मारपीट करेगा, गुस्से लगा उसको कभी नहीं करेगा। तो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई भी अगर आपस में मारपीट करेगा तो क्या अल्लाह उसे खुश होगा? नहीं खुश होगा। तो इसलिए सिर्फ बात को समझिए, आप हर्ट नहीं कर सकते। कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा आप किसी को हर्ट करें। आपको अगर अगर वो लगाने अपनी आस्था के ऊपर यहाँ यहाँ लगाने दे रहा है, तो आपका धर्म इतना कमज़ोर हो गया? आप लगवाने तो उसको खुशी मिलेगी, उसको खुशी मिलेगी आपको ऊपर वाला देख करके, आपके अंदर और इजाफा आए और आपके अंदर और लिक्विडिटी आए। जय हिंद।